हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुनील शिंदे। वेलकम टू शिंदेज केमिस्ट्री टेक्निक्स। देखिए, अभी न्यूमेरिकल सीरीज में जो नेक्स्ट चैप्टर हमने लिए स्टार्ट किया था, उसका नाम है आयोनिक इक्विलिब्रिया और उसका थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आज ये चैप्टर आपका खत्म होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, अभी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसमें हम मैं तीन टाइप के सॉल्ट ले रहा हूँ। पहले रहा सॉल्ट ऑफ बी ए टाइप। बी ए टाइप मतलब ए जी को बी मान लो, सी एल को ए, बी ए बी ए बी ए, दिख रहा है दो टाइप। ये तो आप बोलेंगे सर एसओ फोर, एसओ फोर एक है, ये पूरा एसओ फोर एक ग्रुप है। यहाँ पे एसओ फोर ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोनेट ग्रुप है। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ए बी ए बी ए बी टाइप सॉल्ट। आप देखो ए, ठीक है ना। तो बी ए टाइप या ए बी बोल सकते, बी बोल सकते, बी ए टाइप सॉल्ट। तो बी ए, तो बी ए को मैंने आयनाइज किया, तो बी प्लस ए माइनस आया। तो मैंने बी ए को क्या बोले, मोल पर डीएम को ले लिया। तो बी ए प्लस को मैंने एस सॉल्युबिलिटी लिया और ए को ए माइनस वन एस सॉल्युबिलिटी। तो क्या लिखा, केस में इसको क्या होता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी प्लस लिया है मैंने इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस, इसका एस, इसका एस, एस इनटू एस एस स्क्वायर। मतलब केस में इसको ये वाला फॉर्मूला गया, ये फॉर्मूला गया। अब एस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या है आपका, के एस पी। तो या तो एस निकल आएगा या तो फिर के एस पी निकल आएगा। दो टाइप के न्यूमेरिकल साथ है, ठीक है। फिर टाइप ऑफ सॉल्ट बोलेगा, बी ए टाइप, बी ए टू, बी ए टू टाइप, बी ए थ्री टाइप, ठीक है। देख लीजिए इसको, समझ आ रहा है, इजी है ना। तो उसको आयनाइज करना, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता, याद भी नहीं है, तो आपको सॉल्ट से निकाल सकते हैं फॉर्मूला। जैसा मैंने बोला सिल्वर क्लोराइड, मान लीजिए ए जी सी एल, इसको मैंने आयनाइज कर दिया। देखो मैं निकाल सकता हूँ ए जी प्लस सी एल माइनस। अब मैंने इसे यहाँ निकाल सकता हूँ के एस पी, देखो डायरेक्ट लिखता हूँ के एस पी इक्वल्स टू। तो क्या होता है यहाँ पे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ए जी माइनस ए जी प्लस है सॉरी, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एल माइनस। तो इसका क्या है, एस एस इंटू एस, मतलब क्या हो जाएगा एस स्क्वायर। तो के एस पी इक्वल्स टू आ गया, देखो ये के एस पी आपका आ जाएगा यहाँ पर, देखो एस स्क्वायर आ जाएगा। इस टाइप से हम निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। तो ये तो बी ए टाइप है, और भी कोई हो सकता है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग क्या करो, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आप देखते हैं सॉल्ट ऑफ बी ए टू टाइप, बी ए टू, ए टू टाइप से, जैसे बी ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए टू, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए टू। तो आप देखो बी ए टू को मैंने क्या किया, आयनाइज कर दिया, तो बी प्लस और टू ए माइनस आया। तो इसका एस सॉल्युबिलिटी इसका टू एस, क्योंकि दो है। तो आप देखो केस पे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस, ऊपर जो है नंबर है टू, ये पावर रेज हो जाएगा। तो इसका तो टू एस लिख दिया, टू एस स्क्वायर, तो निकाल लीजिए इसका, यह स्क्वायर और वन, ये क्यू हो जाएगा आपका, और टू इंटू टू फोर, तो फोर एस क्यू हो जाएगा। मतलब एस इक्वल्स क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ क्या हो जाएगा आपका, क्यूब रूट ऑफ के एस पी अपॉन फोर। अब चाहो तो एग्जाम्पल लेके यहाँ पे आप चले बी ए सी एल टू लिया, बी ए सी एल टू, तो पूरा आ जाएगा, वही आ जाएगा ना। तो पी बी आई टू, पी बी आई टू आ गया, कर सकते हैं ना। तो आप देखिए, अगर फॉरवर्ड याद है तो आपको सॉल्ट याद है, आप आराम से कर सकते हैं। या तो के एस पी आएगा या तो आपका एस निकालने आता है इसका सॉल्युबिलिटी, ठीक है। चलिए कर लीजिए नोट। ओके, अब देखते हैं सॉल्ट ऑफ बी ए थ्री टाइप। तो मतलब ये देखो ए एल हो गया बी, और ये ए थ्री, बी ए थ्री, बी ए थ्री। अब देखो बी ए थ्री, तो ए थ्री टाइम्स है, तो थ्री एस ले लिया। मतलब यहाँ देखो बाकी सब सेम है, सिर्फ यहाँ पे पावर रेस हो जाएगा थ्री थ्री, तो रेस टू पावर कितना जाएगा यहाँ पे, थ्री हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पे थ्री एस क्यूब हो गया, क्यूब हो गया, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, क्यूब मतलब थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन, और मतलब ये थ्री और वन फोर, तो ट्वेंटी सेवन एस क्यूब, ठीक है ना, सॉरी एस फोर हो गया। तो एस इक्वल्स क्या होगा, फोर्थ रूट ऑफ क्या होता है, के एस पी अपॉन ट्वेंटी सेवन, निकाल सकते हैं आप ऐसा। तो ये फॉर्मूला, अब ये ए एल ओ एच रखा, तो ए एल यहाँ पे ओ एच थ्री टाइम्स है, तो बस बाकी सब सेम हो जाएगा। वैसे एफ ई ओ एच टेकन थ्री आ जाएगा, तो आप उसको देख के भी कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। दोनों के एस और जो भी नंबर, यहाँ भी हो सकता है नंबर, तो नंबर यहाँ लिख देना, फिर उसका पावर में रेस कर देना उसको, बस हो गया, आ जाएगा। देख लीजिए, मतलब आपको मैथमेटिक्स से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग इंजीनियरिंग, सब इंजीनियर बनने वाले, उतना इशू है, बहुत छोटे छोटी चीज़ है ये सब, आप लोगों के हिसाब से, ठीक है। चलिए इतना कर लीजिए। ओके, अब हम इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, देख लीजिए। तो देखो क्वेश्चन है, द सॉल्युबिलिटी एट 298 केल्विन, कितने दिए, 1.096 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 5 मोल पर डीएम, मतलब आपको सॉल्युबिलिटी गिवन, एस गिवन है। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सिल्वर क्लोराइड एट द सेम टेम्परेचर, मतलब क्वेश्चन थोड़ा एक्सक्लूसिव रहता है, तो ऐसा वर्ड्स लिखे रहते हैं। तो यहाँ पे हमको
सॉल्यूट दिया और सॉल्यूट प्रोडक्ट निकालना, देखो सॉल्यूट दिया सॉल्यूट प्रोडक्ट निकालना है। तो आपका जो सॉल्ट कैसा आपका AgCl है, AgCl इसको मैंने आयनाइज किया, इसका एस इसकी वैल्यू डाल दी मैंने एस इंटू एस, अभी किया था मैं सॉल्व करूँ एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर मतलब एस क्यू डाल दी एस स्क्वायर, तो इसका तो 10^5 को 10^-10 कर देना तो डबल हो जाएगा, लेकिन अब इसका 1.096 मैंने लॉग देख लिया, और क्योंकि स्क्वायर इसमें 2 से मल्टीप्लाई, क्यों होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फोर्थ रूट होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई इतना आ गया, फिर मैंने इसका एंटी लॉग दे लेना, आ गया 1.02 हो गया, ये रहा था फिर लॉग देख के एंटी लॉग देख के इतना आ गया, और ये तो पावर में सॉल्व कर सकते हैं आपसे, ठीक है ना, देखिए बन जाएगा। तो ऐसा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या सॉलिडिटी भी आ सकता है, देखते हैं उसका एक क्वेश्चन, ठीक है ओके। अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी पर एक क्वेश्चन, सॉल्ट कोई हो सकता है, पैटर्न ये रहेगा सभी सॉल्ट का। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एट 298 केल्विन कितना दिया, 3.2 × 10^-11। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी इन मोल पर डीएमक्यू एट 298 केल्विन। तो गिवन क्या है, केएसपी गिवन है और सॉल्युबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला लिख दिया कैल्शियम फ्लोराइड का, आयनाइज किया, सेम पैटर्न से आ सकता है, सॉल्व करके ये फॉर्मूला आएगा आपका, इसका एस ले लिया, इसका 2s ले लिया हमने, तो फिर देखो 2s लिया तो ये 2 क्या पावर में रेस कर जाएगा 2 है, तो फिर यहाँ पे 2s × 10^2 कितना 2 होल कितना लिया हमने इसका पावर 2 लिख दिया, तो अभी 2 × 2 = 4 और ये 2 और ये 1 = 3, तो 4s³। अब s इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ क्या, KSP/4, तो KSP वाली मैंने यहाँ पर रख दी 3.2 × 10^-11, तो उसको कैंसिल किया मतलब पॉइंट शिफ्ट कर दिया, यह 12 हो गया, 4 × 4 = 4, 8 है ना 32, 8 × 10^-4 = 12 हो गया। अब इसको क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट है तो इसलिए क्या होगा 2 × 2 × 2 3 टाइम लेना पड़ेगा इसका, 10^-4 10 टू माइनस फोर ऐसा लिख सकते हैं इसको, देखो अगर मुझे ऐसा करना होगा तो मैं ऐसा करूँगा, देखो 2 × 2 × 2 × 2 ठीक है ना, उस पर पावर देखो 10^-4 ये 3 टाइम्स इंटू 10^-4 इंटू 10^-4 अब बाहर आ गया तो ये 4 हो गया और ये 2 हो गया, बराबर है आ सकते हैं ना, वो करते हुए इस टाइप से करना है बन जाएगा, तो एस की वैल्यू आ गई आपकी। तो सॉल्ट बी ए टाइप हो सकता है, BA2 टाइप हो सकता है, BA3 हो सकता है, 3 टाइप के सॉल्ट, पैटर्न ये रहेगा सभी का ओके। पूरा डिटेल बता रहा हूँ आपको मैं, कर लीजिए इसको ओके। अब देखते हैं तीसरा टाइप, बस ये 3 टाइप के क्वेश्चंस के पॉसिबल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन ये देखो, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर हाइड्राइड इज, ये दे रखा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 1.56 × 10^-16। व्हाट आयोडाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड टू जस्ट कंप्लीटली प्रेसिपिटेट सिल्वर हाइड्राइड फ्रॉम 0.01 मोलर क्या है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब आपको ये बताना पड़ेगा कैसे क्या करना है, ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन समझ आएगा। वो क्या हो रहा है कि द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर हाइड्राइड इज, ये दे रखा है, तो व्हाट आयोडाइड कॉन्सेंट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड टू जस्ट कंप्लीटली प्रेसिपिटेट सिल्वर हाइड्राइड फ्रॉम 0.01 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, वो कितना मिलाया जाए कि वो पीपीटी हो जाए, तो आपको बताना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन, आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है मतलब। तो गिवन में सॉलिड दे रखा है, कॉन्सेंट्रेट सिल्वर हाइड्राइड दे रखा है, लेकिन आपको आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो देखो हमने फॉर्मूला लिख दिया, इसको आयनाइज कर दिया, ये बन गया फॉर्मूला। अब केएसपी की वैल्यू दी है तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी वाली सिलोराइड की वैल्यू मतलब कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया हमने, आयोडाइड का निकालना है, तो आयोडाइड इक्वल्स टू अब आपको ये नीचे आ जाएगा बराबर है। अब ये पॉइंट से ये कट हो जाएंगे इसके 2 पॉइंट, तो 14 हो गया, आ गया आंसर। मतलब द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन फॉर जस्ट प्रेसिपिटेशन ऑफ सिलोराइड मस्ट बी स्लाइटली ग्रेटर देन 1.56 × 10^-14, क्योंकि यहाँ पे कितना है 1.56 × 10^-16 है, यहाँ पे -14 इतना डिफरेंस है बस, तो थोड़ा सा लगेगा ज्यादा, बस हो गया आ जाएगा। इस टाइप से करने 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए, तो अभी आपका यहाँ पर आज आयोनिक इक्विलिब्रियम के पूरे न्यूमेरिकल फिनिश हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो जो बच्चे मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को बताइए, और ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करने की कोशिश कीजिए अपने मित्रों पर, ठीक है ना। और बहुत बढ़िया करके रखा है, टाइम मैंने बहुत बचाया इसके अंदर, और कोई ज्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं है। अब इसके बाद मैं लेने वाला हूँ केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद फिर आपके सिर्फ 2 चैप्टर और रह जाते हैं, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो न्यूमेरिकल सीरीज के लिए और 3 चैप्टर और बचे हुए, ठीक है ना, तो करा दूंगा पूरा, बेफिक्र रहिए सब, धीरे धीरे रोज छोटे छोटे करके वीडियो डाल डाल के आपको मैं कंप्लीट कर दूंगा, आपको टेंशन नहीं, चलते फिरते आप लोग न्यूमेरिकल हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो अभी प्रैक्टिकल आज से शुरुआत हो गई सभी लोगों की, है ना,
तो अभी प्रैक्टिकल को थोड़ा ध्यान दीजिए और ये आपके वीडियो आपको छोटे इवनिंग में रोज इवनिंग में आते रहेंगे, अब देखते रहिए। ठीक है बेटा, चलिए बेटा, बाय।